नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मेरे चैनल प्रवचन क्रिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप भी घर में सब सुरक्षित और सही होंगे। आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, एक ब्लैंकेट डिजाइन लेकर आई हूँ। आप उससे ब्लैंकेट तो बना ही सकते हैं, साथ में उससे आप कैसे बताओ कैप भी बना सकते हैं, और आप उससे स्वेटर भी बना सकते हैं, और उससे आप कुशन कवर बना सकते हैं, सोफा कवर, कुशन कवर, क्योंकि वो थोड़ा मतलब कि थोड़ा फ्लफी डिज़ाइन है। उससे हम अगर हम उससे बनाएंगे कुशन कवर और हम सोफा कवर बनाएंगे तो बहुत सुंदर बनेगा और एकदम उभरा हुआ डिज़ाइन आएगा कि हाँ भाई वो डिज़ाइन कि हाँ भाई उसमें हमने जैसे मोती लगा रखे हैं तो वो इस तरह से कुछ लगता है। तो आइए उसको बनाना शुरू करते हैं कि वो बनता है कैसे, आइए देखते हैं। आज जो मैं डिज़ाइन लेकर आई हूँ उसको बनाएंगे हम थ्रेड से, उसको हम ऊन से भी बना सकते हैं, और उससे हम बनाएंगे क्या क्या, उससे हम जैसे अब हम कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो हम रिवर्सिबल बनाते हैं तो हम उसको अलग तरीके से बना लेते हैं, लेकिन ये कुछ रिवर्सिबल है, दोनों तरफ वाला डिज़ाइन है तो आप इसको कुछ इससे कुछ भी बना सकते हो। इससे आप ब्लैंकेट भी बना सकते हो रिवर्सिबल, और इससे आप पर्स भी बना सकते हो, जो पर्स पूरा एक साथ ही हमारा पूरा पर्स एक साथ बनेगा आगे पीछे प्रॉपर। एक हम बनाते हैं तो हम बीच में चैन बना के गोल करते रहते हैं, ये पूरा एक साथ ही हमारे ये बनेगा। तो ये आइए डिज़ाइन शुरू करते हैं इसको। ये देखिए मैंने 15 चैन लिए हैं, अब करना क्या है, 15 चैन के बाद यहाँ पर मुझे 5 चैन लेनी है, 1 2 3 4 5 पांच चैन ले लिए, यहाँ पे मेरा ये है तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे मैं इसको ये स्लिप से जोड़ दूंगी, फिर दोबारा 5 चैन लूंगी, 1 2 3 4 5 फिर 5 चैन छोड़ूंगी, 1 2 3 4 5 चार चैन छोड़ के पांचवी पे लेना है मुझे, ये देखिए फिर 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 फिर यहाँ पे हमारा तो एक रह गया है, ये हम यहाँ पे ये हम इस तरह से बना लेंगे। अब हमें करना क्या है, अगर हमें एक कलर इस्तेमाल करना है तो हम एक कलर ही दोनों तरफ करेंगे, इधर भी एक कलर करेंगे इधर भी। अगर हमें इसको डबल कलर से करना है तो इस तरफ जो मैं जैसे मैं करूँगी उसमें एक कलर और इस तरफ दूसरा, दूसरी साइड दूसरा कलर, 1 2 3 यहाँ पे मैंने 3 चैन लिए। अब हमें करना क्या है, 5 चैन लिए यहाँ पे, 3 चैन, और उसके बाद क्या करना है, जो हमारा सेंटर का यहाँ पे हमने 5 चैन ली थी तो जो हमारी सेंटर की चैन है उसके अंदर 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया लेंगे, फिर यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 2 3 और ये 4, ये देखिए इस तरह से, फिर यहाँ पर भी 4, एक 2 3 और ये 4, ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, ये देखिए इस तरह से। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमने जैसे यहाँ पे 5 5 चैन ली थी, यहाँ पर भी 5 चैन लेनी है, 5 चैन लेनी है, यहाँ पे इसको सिंगल से जोड़ देना है, ये देखिए 1 2 3 4 5 फिर यहाँ पे सिंगल से जोड़ देना है, ये देखिए कुछ हमारा इस तरह से आएगा। अब हमें सेकंड साइड क्या करना है, यहीं पर धागे को हम यहीं पर ही छोड़ देंगे और हम सेकंड इस तरफ को आएंगे,
ये देखिए यहाँ ही से शुरू करेंगे हम, और दूसरा हम कलर लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे साइड में मैंने जोड़ लिया। अब मैं तीन चैन बनाऊंगी, एक दो तीन, यहाँ पे तीन चैन बनाऊंगी। अब करना क्या है ये देखिए, यहाँ पे मैं अपना जैसे बल लेते हैं वैसे बनाऊंगी। अब ये यहाँ पे जो हमने चैन ली इसको छोड़ेंगे यहाँ पे बीच में, ये दो पे, इसमें दो दो के गैप पे यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक दो तीन चार, ये हमारे चार हो गए। फिर जो ये वाला दूसरी साइड है इसमें भी इसी तरह मेरे को बनाना है, एक दो तीन चार, ये तीसरी साइड भी। मैं एक बार आपको और दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये है चार डबल क्रोशिया, इसमें से हमें दो में लेना है, एक दो तीन और ये चार, ये देखिए ये चार हो गए हमारे। अब हमें करना क्या है, इसी के ऊपर ऐसे ही चैन लेनी है, पांच चैन, एक दो तीन चार पांच, पांच चैन लेनी है। फिर उसके बाद हमें ये पलट के यहीं पर ही देखिए सिंगल स्टिच से मैं जोड़ दूंगी इस तरह से। ये देखिए कुछ हमारा ये इस तरह से आएगा, ये देखिए कुछ हमारा इस तरह से आएगा। जब हम सेकंड टाइम लेंगे तो ये अब हम पर्पल लेंगे। यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया यहीं पर ही, अब हमें पर्पल का करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये पर्पल है, इसको मैं यहाँ पे शुरू ले लूँ कर लूँगी, एक दो तीन, तीन चैन लूँगी। अब उसके बाद करना क्या है ये देखिए, अब मुझे वाइट में करना है। ये देखिए यहाँ से इसको चैन को ले लूँगी साथ में, और इसमें से जो दो हैं ये यहाँ पे, एक दो ये दो में यहाँ पे मैं ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूंगी। ये देखिए ये हमारा डिजाइन इसी तरह से हमारा ये रिपीट बनता जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बीच बीच में ये पर्पल और व्हाइट आता जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे ये करेंगे तो व्हाइट आएगा, यहाँ पे हम करेंगे तो पर्पल आएगा। तो अब आप बताइए आपको डिजाइन कैसा लगा। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया रिवल सीवल बेबी ब्लैंकेट डिजाइन, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए ये आपको कैसा लगा है। और जो भी मेरे नए दर्शक है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटी को भी दबाइए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।